Co-powered by Techno. और हमारे साथ इस वॉर कॉन्क्लेव में सबसे बड़ा पैनल जुड़ रहा है, गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मनीष झा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और सुमित चौधरी भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मनीष मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। एक के बाद एक सीरियल धमाके हो जाते हैं, किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि इतना बड़ा अटैक होगा और वो भी सोची समझी रणनीति के तहत, वॉकी टॉकी जिसका इस्तेमाल हिजबुल्ला करते हैं या फिर जिस बातचीत करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, पेजर का इस्तेमाल करते हैं, वहां धमाके हो गए। आप बिल्कुल देखिए, 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था तब लोगों ने, पूरी दुनिया ने इसराइल की सिक्योरिटी और इसराइल के इंटेलिजेंस पर लाखों सवाल उठाए थे जो उठने भी चाहिए थे। लेकिन अब जबकि हिजबुल्ला के ऊपर इसराइल ने ये इलेक्ट्रॉनिक वॉर शुरू किया है तो एक बार फिर इसराइल ने पूरी दुनिया को ये बताया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं। अब आप सोचिए, किसने सोचा होगा कि कभी वॉकी टॉकी, मोबाइल, पेजर या फिर गाड़ियों के बैटरी, कार की बैटरी, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब युद्ध का हथियार हो सकता है। लेकिन इसराइल ऐसा कर रहा है और इसके बारे में कल जब इसराइल के आर्मी चीफ जब नॉर्थ इसराइल में अपने सैनिकों से मिल रहे थे तब उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो शुरुआत है, हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे हथियार हैं, बगैर नाम लिए कि इस हमले में वो शामिल है, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे भी हथियार हैं जिनका हमने अब तक इस्तेमाल नहीं किया है और जो हम हिजबुल्ला के खिलाफ करेंगे। तो साफ तौर पर है कि इसराइल युद्ध के एक नेक्स्ट फेज में जा चुका है, एक ऐसा फेज जो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एक ऐसा फेज जिसके जरिए हर घर में इजराइल की पहुंच हो सकती है और हर जगह पर वो अपने दुश्मनों पर अटैक कर सकता है। बिल्कुल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है मनीष। संजय सोई सर मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आपको याद आता है कि युद्ध के मैदान में किन्हीं भी दो देशों के बीच या किन्हीं भी दो ग्रुपों के बीच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, सीरियल ब्लास्ट हुआ, बैक टू बैक ब्लास्ट हुआ जिसमें कई हिजबुल्ला के कमांडर मारे गए, सोची समझी प्लानिंग के तहत? नहीं बिल्कुल अंजलि जी, ये एक बड़ी ही अच्छी प्लानिंग की गई है। यहाँ पर एक सोल्जर होने के नाते मैं कहूँगा कि एक यहाँ भी कोई कोलेट्रल डैमेज ज़्यादा नहीं दिखा अभी हमें। जितने भी पेजर का इस्तेमाल कर रहा था वो कौन कर रहा था? वो हिजबुल्ला के लड़ाके कर रहे थे और कोई आप या हम या कहीं दुनिया में कोई भी पेजर इस्तेमाल नहीं करता। 20 साल पहले ख़त्म हो गया क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल कर दे कि इसका जो रेडियो सेट है, मोबाइल्स हैं, वो इंटरसेप्ट हो जाते हैं। उनके जो नसरुल्लाह ने पहले कहा था कि मोबाइल फेंक दो, अपने घर के अंदर रखो, इसका इस्तेमाल ना मत करो, ये आपके एक जासूस से ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा खतरनाक है। तो ये सब देखते हुए एक जो अटैक बड़ा सोच समझ के प्लान किया गया और इसका आप जो डीप प्लानिंग किया, दो चीज़ें इसमें निकल के आती हैं। एक तो कहीं इसको शिपमेंट को करके उसके अंदर एक्सप्लोसिव डालना और दूसरी बात उनके नेटवर्क को हैक करना और उसमें एक गिविन टेक्नोलॉजी या किसी ट्रांसमीटर ट्रांसमिट किया गया कि ऐसा मैसेज जिसके द्वारा वो शॉर्ट सर्किट होकर एक्सप्लोड हो गया। और एक जो लिथियम बैटरी यूज होती है साथ में इसके, वो लिथियम बैटरी भी एक्सप्लोजन के लिए काफी प्रोन होती है। तो यहाँ पर एक सिंपैथेटिक डेटोनेशन भी होता है कि छोटा डेटोनेशन हुआ उसके साथ बैटरी भी एक्सप्लोड हो गई और काफी बड़ी कैजुअल्टी होती है। आप देखिए कितना बड़ा। और बहुत ही रणनीति के साथ ये हमले हुए हैं, सीरियल धमाके हुए हैं और पिछले दो दिन में, मैं सर आऊंगी आपके पास, पिछले दो दिन में ताबड़तोड़ धमाके से इजराइल ने लेबनान को दहला दिया। मोसाद ने, जो इजराइल की एजेंसी है, उसकी तरफ से मोसाद ने लगातार दूसरे दिन हिजबुल्ला के पेजर्स में धमाके किए हैं जो हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं वो यूज करते हैं। ना सिर्फ पेजर बल्कि 13 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ब्लास्ट हुए। मोसाद ने लेबनान और सीरिया के अंदर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया है इन हमलों के लिए। आप तस्वीरें देख रहे हैं, 17 सितंबर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जब ब्लास्ट हुआ अचानक से सुपरमार्केट के एरिया में, देखिए पेजर में या जो पेजर यूज कर रहे थे ये लड़के, उनके पेजर में धमाका होता है और अफरा तफरी मच जाती है, वो घायल हो जाते हैं जिनके पास पेजर था। और उसके बाद 18 सितंबर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनको निशाना बनाया गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में ये बॉम्ब प्लांट किया गया और उसके बाद सिलसिलेवार धमाके किए गए। तो देखिए कहा जा रहा है मोसाद का ये ऑपरेशन बीप जिसे नाम दिया गया था और
और उसके बाद हिजबुल्ला को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाता है। कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको एक के बाद एक दिखाएंगे हम किस तरीके से ये 12 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है, कहीं कार में ब्लास्ट हुआ है, कहीं मोबाइल फोन में बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है, पेजर में ब्लास्ट की खबर हमने आपको बताई थी, और उसके बाद कई ऐसे डिवाइसेज हैं, वॉकी टॉकी है जिसमें ब्लास्ट हुआ है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेडियो में धमाका हुआ, फोन में धमाका हुआ, वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट हुआ है। यानी कि एक सोची समझी प्लानिंग थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, मोसाद इसकी प्लानिंग पिछले एक साल से कर रहा था कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हिजबुल्ला को बड़ी चोट पहुंचाई जा सके। जी हाँ, मोसाद पर लगातार ये है कि देखने को मिल रहा है कि मोसाद ने किस तरह की रणनीति अपना कैसे कर दिया ये ऑपरेशन बीप जिसे अंजाम दिया गया और ब्लास्ट हो गया। कहां कहां धमाके हुए हैं अब आपको ये बताते हैं। 60 घरों के इलेक्ट्रॉनिक सेट, दुकानों में रखे रेडियो सेट, मोबाइल फोन्स, 15 गाड़ियों की बैटरीज यहां पर धमाके हुए हैं, एक दर्जन से ज्यादा बाइक्स और स्कूटी, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, इसके अलावा जो घरेलू सोलर डिवाइसेस होते हैं वहां पर भी धमाका हुआ। कितना नुकसान हुआ है, 20 आम लोगों की मौत हो गई है, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, और 450 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दो दिन में 17 सितंबर 18 सितंबर दो दिन में 30 लोगों की मौत हो गई है। कुल 12 कमांडर्स, हिजबुल्ला के 12 कमांडर्स मारे गए हैं, और 500 से ज्यादा आंखों की रोशनी तक चली गई है। सोचिए कितना इंटेंसिटी के साथ ये ब्लास्ट हुआ होगा। दूसरे दिन भी 500 से ज्यादा धमाके, करीब 13 डिवाइसेस में ब्लास्ट हुआ है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये मोसाद का ऑपरेशन बीप रहा जिसके बारे में एक एक डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है कि मोसाद का अब नया हथियार टेक्नोलॉजी है। हम ये क्यों कह रहे हैं ये समझिए। देखिए, पेजर के जरिए ब्लास्ट होता है, मोबाइल फोन के जरिए विस्फोट किया जाता है, पर्सनल रेडियो सेट्स, लैपटॉप, वॉकी टॉकी, ये वो डिवाइसेज हैं जिसके बारे में शायद हिजबुल्ला ने सोचा होगा कि इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसी के जरिए ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। सोलर पैनल, बायोमेट्रिक्स, घरों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, कार, रेडियो, रेडियो कार और बाइक, साथ ही स्कूटी में भी इस तरीके से ब्लास्ट हुआ है। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करना चाहूंगी। सुमित, जैसा मैं कह रही थी कि शायद हिजबुल्ला ने ये सोचा भी होगा कि ऐसे डिवाइसेज जिसका रोजमर्रा में वो इस्तेमाल कर रही है उसके जरिए बड़ा धमाका हो सकता है, मोसाद उसको बड़ा हथियार बना सकता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले एक साल से मोसाद इसकी प्लानिंग कर रहा था। बिल्कुल, देखिए मैं अंजलि, मैं इस पे आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। एक महीने पहले जब मैं हिजबुल्ला के साथ था, खासतौर पे साउथ लेबनन में, तब मैंने उनके पास जो उनके सारे कमांडर्स थे जो बातचीत करते थे, पेजर्स का इस्तेमाल करते थे, AR-924 ये मॉडल नंबर था जिसका इस्तेमाल वो अक्सर किया करते थे। मैंने भी क्रॉसिटी में उनसे पूछा कि आखिरकार आज के समय में आप पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए 96 में मोसाद ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जिसके अंदर उन्होंने हमास के जो एक्सप्लोजिव बनाने वाले जो कमांडर्स थे उनको मोबाइल फोन में ब्लास्ट करके मार दिया। ये एक्सपेरिमेंट ये खासतौर पे मोसाद नहीं सबसे पहले किया था, तो निश्चित तौर पर हिजबुल्ला में एक डर था। हिजबुल्ला ने बताया कि हम ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जिनको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जो एक बार चार्ज हो जाए तो कम से कम 2 से 3 महीने चले, क्योंकि लगातार इजराइल हमारे कम्युनिकेशन टावर्स पर, हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर्स पर अटैक कर रहा है। तो हमें ऐसी सिचुएशन में भी काम करना है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो हमारे डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए, हम लंबे समय तक चल सके। लेकिन शायद वो भूल गए कि 5 महीने पहले जो नए इक्विपमेंट उन्होंने, चाहे वो पेजर्स हो, रेडियो आप कह सकते हैं सेट्स हो, या फिर वॉकी टॉकीज हो, जो उन्होंने 5 महीने पहले मंगाए थे वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज थे, वो लगातार ऑलरेडी इजराइल कॉम्प्रोमाइज कर चुका था। तो यही है कि एक कदम नहीं, कई कदम आगे सोचकर उसको इंप्लांट करना। और ये भी आप मानिए कि ऐसा नहीं है कि एकदम से ये इजराइल ने ब्लास्ट किया, 3 महीने तक इजराइल इन सभी इक्विपमेंट के जरिए लगातार हिजबुल्ला के कमांडर्स का, उनके उनके OGWs का यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स की लोकेशन, उनकी बातचीत को ट्रेस करता रहा, लगातार उनको सुनता रहा, उनके बारे में जानकारी हासिल करता रहा, और जब उसको लगा कि ये प्लान एक्सपोज हो जाएगा तो उसने फिर इस मिशन ठीक है। सुमित, आप नजर बना के रखिए। गो पावर्ड बाय टेक्नो।